मायके में लड़कियां बड़े रहती है। हस्बैंड की टी शर्ट टाइम देखो, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मैं आई एम अ फैशन डिजाइनर। मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करती ही रहती हूँ। रियलमी हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। मायके में लड़कियां बड़े रहती है। तो भाई गुड मॉर्निंग, एज यूजुअल मेरी लेट गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, मैं यहाँ जल्दी बिल्कुल नहीं उठती हूँ, बट आज मैं मम्मी पापा को छोड़ के आई। आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। फिर मैं नाश्ता लेके आई, मैंने बहुत सारी गाड़ी चलाई और बस आगरा में अकेले अकेले घूमते 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 मैंने पूरी सुबह निकाल दी। मुझे पता ही नहीं लगा कब 2 बज गए। फ़ोन चलाते चलाते मैं अकेली रह गई, ये भी चले गए, कोई नहीं है घर पे, मैं अकेले थी तो मैं फ़ोन चलाती रही। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। टाइम देखो, शाम के 4 बजने वाले हैं। अब मैं नहा कर आई हूँ अभी। अब मैं ये सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। मैं बहुत देर से फ़ोन चला रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और फिर मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ, क्या कहते हो? मैं क्या करूँ, कोई भी नहीं है, मेरा मन ही नहीं लग रहा। हालांकि जब इंसान के पास फ़ोन होता है तो टेक्नोलॉजी, फ़ोन, इन सब से बहुत बढ़िया टाइम पास हो जाता है, उसको ज़रूरत पड़ती नहीं किसी और चीज़ की। बट फिर भी बहुत देर हो गई, सुबह से लगातार फोन चला रही हूँ मैं। सो क्या किया जाए। चलो मैं आपको कुछ बताती हूँ अपने बारे में। मैंने मेरी स्कूलिंग करी थी आगरा से ही। दयानंद बाल मंदिर स्कूल का नाम था मेरे, तो मैंने वहाँ से 12th करी। फिर उसके बाद हमने करी BSc, मैंने और मेरी दोस्त, हम दोनों ने सबको साथ साथ किया ग्रेजुएशन तक। तो उसके बाद मैंने की ग्रेजुएशन, वो की मैंने सेंट जॉन्स स्कूल से, कॉलेज सेंट जॉन्स कॉलेज से, वो की वो भी आगरा में ही है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत सुंदर कॉलेज है, कभी दिखाऊंगी, गई तो वहाँ पे, बहुत सुंदर कॉलेज है। फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन कर रखी है। कोई पैशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हमने कर लिया। BSc करना था, ग्रेजुएशन करना था तो कर लिया। बट मुझे स्टार्टिंग से ही फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, तो फिर मैंने बोला पेरेंट्स को कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है और वो लोग एग्री हो गए। तो फिर मैं गई जयपुर, तो मैंने वहाँ से की फैशन डिज़ाइनिंग। INFT कॉलेज से की थी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है वो। तो वहाँ से मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की एंड राइट नाउ आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। फिर अभी बस मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, जैसे कि मेरा एक बहुत ड्रीम है बड़ा कि मुझे एक बुटीक खोलना है, मेरा बहुत ही शानदार सा बुटीक खोलना है मुझे। बट अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा, एक्चुअली होने भी वाला था बट फिर कुछ रीजंस की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। बट डेफिनेटली एक दिन ज़रूर होगा वो काम। तो ये था मेरी लाइफ का छोटा सा पार्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और बाकी सब मैं डेली ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आई होप आपको भी वीडियोस अच्छी लगी होंगी मेरी वीडियोस। आप प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए मेरा चैनल नहीं। एंड मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करती ही रहती हूँ, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। और एक बात, मेरे बाल इतने ही है क्या? ये इतने है। चलो आगे बताऊँ, बाय बाय गाइस। फिलहाल अब मैं ऐसा करती हूँ, सो ही जाती हूँ, बिकॉज अब मन नहीं लग रहा, अब क्या करें। तो ऐसा करते हैं, अपन सो जाते हैं। ओके बाय गाइस, गुड नाइट। वापस आ गई मैं, गई थी मैं सोने, तब तक मम्मी पापा आ गए। अब क्या, आ गई मैं चाय बनाने, सोचा चाय पिला देते हैं, बेचारे थक के आए। एक चीज नोटिस करिए, मायके में ना अपनी चीजें याद नहीं रहती, कहाँ क्या रखते थे हम, सब भूल जाते हैं।
पहले यहाँ की सारी चीज़ें पता थी, अब वहाँ की सारी चीज़ें पता है। अब यहाँ की चीज़ें याद नहीं रहती कि कहाँ क्या रखा हुआ है, पूछना पड़ता है मम्मी चीनी कहाँ है, मम्मी कितनी। आप ये नहीं सोच रहे कि क्या पहन रखा है? हस्बैंड की टी शर्ट, मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पहले पापा की टी शर्ट बहुत कंफर्टेबल लगती थी, अब हस्बैंड की बहुत लगती है। यार घर पे लोग ऐसे ही रहते हैं और मैं ऐसे ही रहती हूँ घर पर। रियल मी, मैं फेक नहीं बन सकती। ड्रेसअप होके तैयार होके फिर ब्लॉगिंग करूँ, नो आई कांट डू दैट। मैं यही हूँ रियल और मैं ऐसे ही करूँगी। सही बात है ना यार, रियल रह के करो जो करना है आपको, जो करना है आप रियल रह के करो, फेक बनने से कुछ नहीं होता। हम ऐसे ही रहते हैं घर पे, ऐसे भूतों की तरह टी शर्ट पहन के मोटा सा। Cheers! चाय बहुत अच्छी बनी है, सबने बहुत तारीफ करी, मैं सारे काम बढ़िया करती हूँ। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर एंड कल मिलते हैं। बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना।